हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक आपका है अम्लों के सामान्य गुण। इसके पहले हमने पढ़ा अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता, पीएच मान निकालना और पीएच मान के अवलक्षण। ठीक है, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा अम्लों के सामान्य गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण। तो अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं? जैसे मैं दिया हुआ प्रबल अम्ल प्रबल संचार पदार्थ है, प्रबल अम्ल प्रबल संचारक पदार्थ है, अर्थात जैसे लकड़ी या हमारे पास हो गई शर्ट या कपड़ा कह लें यहां पर कागज त्वचा, ये जो हमारे होते हैं इनको क्या करता है, गलाकत में नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट कर देता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है या खट्टा है, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखा जाता। अर्थात जैसे हमारे पास दिया हुआ है तेजाब, अगर तेजाब को हम चेक करके देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी जो जीभ होती है त्वचा उसको क्या कर देगा, काट देगा। जैसे हमारे पास दिया है ये हमारे पास कपड़े, कपड़े पर अगर हम डालते हैं अम्ल तो हमारे पास क्या कर देता है, कपड़े को जला देता है। ठीक है, कपड़ा है, कागज है, त्वचा आदि को जलाकर नष्ट कर देता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है या खट्टा है, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अम्ल जल में विलय होते हैं, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो हमारे पास क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। जब इसे जल में घोलेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ऊष्मा उत्पन्न होती है और विलयन का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला नंबर, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिखित पेपर या नीले लिखित कागज को लाल कर देता है। हमारे पास क्या है, जो अम्ल हमारे पास है, अम्ल का जलीय विलयन हमारे पास है, तो ये क्या होगा, जैसे नीले लिखित पेपर में डालेंगे तो हमारे पास ये क्या कर देगा, नीले लिखित पेपर को लाल कर देगा। क्या कर देता है, लाल। ये हमारा नीला लिखित पेपर को जैसे हम डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे अम्लों के सामान्य गुण। लिखा है प्रबल अम्ल प्रबल संचारक पदार्थ है, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। सेकेंड नंबर, अम्लों का स्वाद खट्टा है, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगला नंबर है, अम्ल जल में विलय होते हैं, हमने बताया था अभी, अम्ल जल में विलय होते हैं, अगर इनको हम क्या करेंगे, जल में घोलते हैं तो ये हमारे पास कैसे हो जाते हैं, जल में घोला जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात इसका ताप जो हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम क्या करें, किसी अम्ल को अगर हम जल में डालते हैं, अम्ल को जल में हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे डालना चाहिए, धीरे धीरे डालना चाहिए। नंबर चार, अगर धीरे धीरे नहीं डालेंगे, जैसे अचानक में डालेंगे तो क्या होगा, अचानक में अगर हम डालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसके बुलबुले उठेंगे, हो सकता है जिसमें परीक्षण कर रहे हो या देख रहे हो सकता है अम्ल हमारे चेहरे पर आ जाए। इसलिए क्या करेंगे, अम्ल जो होते हैं, अम्ल में जो पानी मिलाया जाता है तो धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि उस पर क्या हो, या बाहर क्यों ना निकल पाए। अम्लों का जलीय विलयन नीले लिखित पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं, हमारे पास आएंगे रासायनिक गुण, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अम्लों के रासायनिक गुण हमारे पास क्या होते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण जैसे हम करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अन्य हमारे पास अभिक्रियाएं दी हुई हैं, हमारे पास धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया हमें करानी है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी। तो पहले हम देखते हैं, नंबर फर्स्ट हमारे पास धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुएं जैसे हमारे पास जिंक, मैग्नीशियम, ये हमारे पास सब क्या है, धातुएं। अगर हम अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, या पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और एक हमारे पास क्या होता है, लिखा है अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि, मैग्नीशियम हमारे पास है आदि कई अम्ल, यानी कि अन्य और भी हो सकते हैं, आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं या हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फिर से देखेंगे, धातु हमारे पास कह रहा है, शब्द हमारे पास दिया गया है धातुओं के साथ में अभिक्रिया, तो हमारे पास जो धातुएं होती हैं किसी भी धातु के साथ में हम क्रिया करा सकते हैं। जैसे हम कराएंगे धातुओं के साथ में क्रिया, जैसे हमने लिखा है जिंक मैग्नीशियम, आप फेरस भी ले सकते हैं, अन्य हमारे पास धातु ले सकते हैं जो हम धातुएं हैं, तो हमारे पास जिंक मैग्नीशियम, तो हमारे पास जैसे दिया है जिंक, तो जिंक की क्रिया जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे पास क्या है, अम्ल हमारे पास क्या कह रहा है, अम्ल के साथ, अम्लों की बात कह रहा है, अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो अम्ल की बात चलेगी हमारे पास, तो कह रहा है जिंक, ये हमारे पास हो गई धातु,
तो जैसे ही जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जिंक सल्फेट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। देखते हैं जेडन जिंक का प्रति क्या होता है, हमारे पास है जेडन जिंक हमारा, सॉरी जिंक हमारा जेडन होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ में क्रिया करा दे, किसी भी धातु के साथ में क्रिया करा दे तो हमारे पास जिंक H2SO4, तो जैसे ही हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक के साथ में जैसे ही क्रिया कराएंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो। देखते हैं जेडन ये हमारा हो गया, जेडन बैलेंस ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ यही है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। अगर रासायनिक अभिक्रिया हमने सीख ली, बैलेंसिंग करना सीख लिया है तो हम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जेडन प्लस H2SO4, तुम देखते हैं यहां पर हमें निकालना क्या, पहले मैं दिमाग में लाना है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन ऊपर हमने भाषा लिखी, हमें क्या करना है, कह रहा था हमें हाइड्रोजन मुक्त करना है, हाइड्रोजन गैस हमें मुक्त करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस हमें निकालना ही निकालना है। तो यहां पर दिया है जेडन प्लस H2SO4, तो जैसे जेडन तुम्हारा जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये जिंक के सल्फेट अम्ल के साथ में जैसे क्रिया होगी तो जिंक सल्फेट और हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फेट क्या होता है SO4, जो हमारे पास ये SO4 होता है ये हमारा सल्फेट होता है, क्या होता है सल्फेट। तो जैसे अब यहां पर जैसे हम करते जेडन के साथ में कह रहा है Mg के साथ में तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता, तो वैसे ही हमारे पास क्या कहना है जिंक, ये हमारा जेडन SO4 था जिंक सल्फेट हो गया और बचा क्या हमारे पास ये H2O और H2O हमारे पास क्या है गैस। ठीक है दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ में, जैसे हमने जिंक के साथ में किया वैसे मैग्नीशियम, ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है क्योंकि हमें अम्लों के साथ क्रिया करना है, या हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा लिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ करा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, किसी भी के साथ में हम किसी अम्ल के साथ में क्रिया करा सकते हैं। ठीक है तो हम क्या करते हैं Mg2HNO3, आप देखते हैं यहां पर Mg पर कितना होता है हमारे पास 2+, Mg पर 2+ होता है और हमारे पास क्या हमें निकालना है MgNO3 का ऑर्डर है, Mg पर 2+ होता है, जैसे ही बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा MgNO3, ये जो हमारा NO3 पर क्या होता है 1, तो जब बैलेंसिंग करेंगे इस पर 2 होगा और हमारे पास NO3 हो जाएगा, जैसे बैलेंसिंग करेंगे तो NO3 क्या हो जाएगा, इस पर 1 था हमारे पास तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा NO3 का ओल्ड टाइप हो जाएगा अर्थात नाइट्रेट बन जाएगा, NO3 हमारा क्या होता है नाइट्रेट। तो देखते हैं मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हमने कराई तो हमारे पास MgNO3, क्योंकि हमारे पास Mg3 हो गया धातु, MgNO3 ये हमारा हो गया, इस पर 2+ है, जब क्रिया इसके NO3 के साथ में क्रास कराएंगे तो 2 हमारा कहां चला जाएगा NO3 का होल ट्राइस हो जाएगा। ठीक है तो अब क्या करेंगे मैग्नीशियम NO3 का होल ट्राइस, तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और हमें क्या चाहिए था हाइड्रोजन गैस, यही हमें निकालना था क्योंकि कह रहा था हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है ये मुक्त करना है अर्थात हमें निकालना है। अगला नंबर हम देखते हैं जिंक के साथ में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराई हमने तो हमारे पास क्या गया जिंक क्लोराइड, अब देखते हैं जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस तो हमें मुक्त होते हैं, जिंक क्लोराइड जैसे आपने कहा जेडन पर कितने होते हैं हमारे पास 2+ और हमारे पास सीएल पर 1 होता है, तो जैसे हम सीएल की क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जेडन ये हो जाएगा सीएल कहां चला जाएगा 2 आ जाएगा पर, तो ये जाएगा Cl2 तो हमारे पास हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो हमारे पास इस पर सफर क्या होते हैं 2+ होते हैं सफर, तो हमारे पास क्या इस पर 2 है तो हमारे पास बात क्या है जिंक की, तो आगे हमारे पास क्या सीए हमारे प्लस है, सीए पर हमारे पास क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से हमारे पास जिंक और 2HCl हमारे पास क्या HCl हमारे पास दिया गया क्योंकि Cl2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 2, तो हमारे पास जेडन Cl2 आ जाएंगे तो जेडन Cl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 हमारे पास क्या होता है गैस मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे धातुओं के साथ में क्रिया हो जाएगी, अम्लों के साथ में धातुओं के साथ में क्रिया हमारे पास हो गई अभिक्रिया। अब सेकंड देखते हैं नंबर पर धातु कार्बोनेट के साथ या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो हमारे पास क्या होता है धातु कार्बोनेट क्या होते हैं यानी कि CO3 जो हमारे पास होता है देख लेते हैं इधर CO3 हमारा होता है कार्बोनेट, क्या होता है कार्बोनेट, तो कह रहा है हमारे पास धातु कार्बोनेट, अब हमारे पास क्या होगा धातु कार्बोनेट हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास CaCO3 क्या हो गया हमारे पास धातु भी और कार्बोनेट यानी कि CaCO3 हमारा क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब कह रहा था कि धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा लवण और जल बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी हमारी मुक्त होगी, कहने का मतलब है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं निकालते हैं। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया CO3 ये हमारे पास क्या है धातु और कार्बोनेट दोनों कह रहा था धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट
की क्रिया जब हम किसके साथ में कराएंगे, बात किसके चल रही थी, अम्लों की, तो अम्लों के साथ में कराना है। ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। धातु कार्बोनेट क्वेश्चन कह रहा था आपका, धातु कार्बोनेट तो हमारे पास क्या हो गया, धातु सीए और कार्बोनेट हो गया हमारे पास, और बात किसी चल रही थी, अम्लों की, क्योंकि अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या सीओ सीओ थ्री कैल्सियम कार्बोनेट, और हमें क्या करना है किसी अम्ल के साथ में, हमारे पास अम्ल दिए गए H2SO4 HNO3 HCl, तो किसी भी अम्ल के साथ में हम क्रिया करा लेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे, जैसे हमने HCl के साथ में क्रिया कराया, तो हमारे पास CaCO3 2HCl, अर्थात यहां पर हम HCl लेते हैं, HCl क्योंकि हमारे पास क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर कह रहा बनेगा क्या हमारे पास क्या था लवण, तो ये जो हमारे पास बनेगा ये हमारा क्या होगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड, क्या है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, ये आप जानते हैं जल है, और ये हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कह रहा है कि हमारे पास लवण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CaCO CaCl2 हमारा क्या हो जाएगा लवण हो जाएगा। ठीक है, तो CaCO3 क्वेश्चन ध्यान सुनना, लवण व जल बनेगा, तो हमें पहले ध्यान देना है लवण व जल और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है, तीन चीजें हमें करनी है, तो हमारे पास क्या होगा जैसे CA हमारे पास क्या होगा Cl2, CA यहां से हमने लिया Cl2 ये ले लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा Cl2, क्योंकि हमारे सूत्र क्या होता है CA पर दो प्लस, क्या होते हैं CA पर दो प्लस, और जैसे CA पर एक होता है तो हम क्या करेंगे जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास 2 यहां पर आ जाएगा और Cl एक, यानी Cl का एक है ये, तो हम क्या करेंगे बन जाएगा CA और Cl2 ये 1 हो जाएगा, इस तरीके लिख लें, लेकिन 1 को लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा CaCl2 CaCl2 हमारा कैल्शियम क्लोराइड, तो हमारे पास दो, अब यहां पर हमने क्या लगाएंगे दो लगाएंगे तो हमारा CaCl2 हो जाएगा, अब यहां पर H2 भाई वहां पर CO2 चला गया तो बचेगा क्या पर H2, और यहां पर हमारा क्या बच रहा है CO3, तो हम क्या करेंगे CO3 का यहां से हम क्या लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि CO3 एक O को यहीं पर हम रोक देंगे, तो जैसे ही यहां पर एक O रोकेंगे O और ये H2 हमारा लिखा था 2S था H2, तो हमारे H2 के दो और O मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जल बन जाएगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। फिर से देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो CA कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास दिया गया है, तो CA और हमारे पास क्या होगा यहां पर हम यानी कि जो हमारे पास अम्ल है HCl उससे क्या लेंगे Cl लेंगे, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है CaCl2, तो 2 यहां पर क्यों, क्योंकि 2 हमने इसी लगाया यहां पर कोई सूत्र होता है, 2 कहां से लेंगे हम क्योंकि CA पर 2 प्लस होते हैं, अभी हमने बताया था बेटा मांगे काल फिटर उस अलियनी मेंडलिप की जो और सारणी है उससे हमारे पास तो क्या होता है 2 प्लस होते हैं, तो 2 प्लस हमारे पास है जैसे हम क्रिया करेंगे CaCl2 और हमें जल बनाना है तो जल तुरंत लिख देंगे उसके बाद में CO2 लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें लवण बना लेंगे और जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख दे उसके बाद में समीकरण को क्या कर लेंगे बैलेंसिंग कर लेंगे, तो जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड नंबर आपस क्या दिया गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट धातु भी हमारे पास है कार्बोनेट भी, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जैसे ही सान सल्फ्यूरिकम के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा CaSO4 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, और हमने बताया था H2O को CO2 को आपको अपने आप ही लिख देना, उसके बाद बैलेंस क्या देखते हैं CaSO4 तो CA यहां से हमने ले लिया और SO4 यहां से, तो ये CaSO हमने मिलाया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया और यहां पर CO3 बचा और यहां पर क्या होता है H2, तो O एक यहां पर दे देंगे तुम्हारा पानी निकल जाएगा और CO2 यहां बच जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं MgCO3 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारे पास दिया है उसके साथ हम किसकी क्रिया करा रहे हैं अम्ल के साथ, अम्ल क्या हमारे पास यहां पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जैसे ही क्रिया कराएंगे तो हमारे पास सेम इसी पोजिशन में हमारे पास आ जाएगी MgCl2, ठीक है MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, H2O पहले ले लें या बाद में ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड जल वही पानी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमारे पास दो अभिक्रियाएं हो गई धातुओं के साथ में और धातु कार्बोनेट के साथ में, ठीक है इस प्रकार आप आराम से करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, जहां पर ना समझा पीछे एक बार बैक करके समझ लेंगे, ठीक है। तो चौथा तीसरा नंबर देखेंगे धातु हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है इसके पहले धातु कार्बोनेट के साथ में हमने भी पढ़ा, उसके बाद अब हमारे पास थर्ड नंबर है धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ में, ठीक है तो देखते हैं हमारे पास क्या है जैसे अम्ल धातु बाई कार्बोनेट, जैसे हमारे पास क्या होता है NaHCO3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा NaHCO3 जो हमारे पास दिया है सोडियम बाई कार्बोनेट है, क्वेश्चन कह रहा था धातु होना चाहिए और हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है किसी भी कार्बोनेट के साथ में अगर एच लगा देते हैं तो बाई में बदल जाता है, ठीक है
तो हमारे पास कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन या धातु बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ये भी आईडी हो सकती है, नहीं तो धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया है अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो हमारे पास कह रहा था लवण बनाता है, जल बनाता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र हो गया है, हमें पहले ध्यान देना है धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट का सूत्र हमें लाना है, यानी धातु के साथ में बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम, सोडियम एच हमारा होता है बाई और कार्बन सीओ थ्री हमारा क्या होता है कार्बोनेट, तो हमारे पास जब हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, एने और सोडियम का प्रतीक क्या होता है एने, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है सोडियम बाई कार्बोनेट। कह रहा था किसके साथ में चला था अम्लों के साथ में, तो हम क्या करेंगे HCl, अब यहां पर HCl कोई भी हम ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसे हमने किया है तो हमारे पास NaCl प्राप्त हुआ, अर्थात NaCl जो हमारे पास ये दिया गया है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद में हमें कह रहा था जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो जल हमें बनाना है, तो जल हमारे पास क्या बना, तो जल H2O और CO2 हमारे पास बनकर तैयार हो गया। तो अब क्या करते हैं, यानी कि जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लवण NaCl, ये क्या होता है नमक H2O और हमारे पास क्या होगा CO2 गैस मुक्त हो गई, ये भी क्वेश्चन कह रहा था हमारे पास CO2 गैस बनाती है या मुक्त करती है, तो हमारे पास ये क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर हुआ। फोर नंबर पर दिया गया धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके हमारे पास क्या बनेगा लवण, लवण और जल बनेगा, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। धातु जैसे हमारे पास कह रहा था धातु ऑक्साइड, तो ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है ओ, ऑक्साइड क्या होता है हमारा ओ, ओ जो होता है ये हमारा ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो ऑक्साइड, अब कह रहा था धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक हमारे पास क्या हो जाएगा CA, कोई भी ले सकते हैं यहां पर है CA हमने लिया है, ये आप CU ले कोई भी यहां पर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा था अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट नंबर एग्जांपल दिया हुआ CuO, ये हमारे पास CU क्या हो गया धातु, यानी CU जो हुआ धातु और ये हमारा क्या हो गया ऑक्साइड, क्या हो गया ऑक्साइड, क्योंकि धात्विक ये हमारी धातु हो गई। धातु ऑक्साइड के साथ में किससे क्रिया करना था अम्लों से, तो हमने क्या किया HCl, जब HCl को हमने मिलाया तो हमारे पास CuCl2 मिला, CuCl2 हमने क्या बताया था C पर, CU पर हमारे पास कितने हो जाएंगे दो प्लस, तो CU और CL पर एक, तो हमारे पास जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा CuCl2, तो हमारे पास क्या है यहां पर हो जाएगा CuCl2। अब हम देखते हैं यहां पर है हमारे पास कितने दिया, यहां पर कर लेते हैं यहां पर दो, यहां पर लगा देंगे दो, तो हो जाएगा CuCl2, CU यहां से Cl2 यहां पर, अब H2 और O, ये हमारे पास क्या निकला है पानी अर्थात जल, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, क्या हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड। इसी प्रकार बी पार्ट देख, एग्जाम्पल नंबर बी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ध्यान रखेंगे सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सभी लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमारे पास ये क्या दिया हुआ है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, अभी इसके पहले बताया था कैल्शियम सल्फेट, और ये तो सभी लोग जानते हैं पानी या जल। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे समीकरण बैलेंस भी कर लेंगे, देख लेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो आपके हमारे पास क्या था अम्लों की जो रासायनिक गुण थे उसमें हमारे पास क्या हो गए चार जो हमारे पास पार्ट दिए गए थे वो हमारे पास हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अम्लों की, या हमारे पास दिए अम्लों के उपयोग, ठीक है, तो इसके बाद में हम अम्लों के उपयोग देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अम्लों के उपयोग, रासायनिक जो हमारे पास चल रहे थे अम्लों के रासायनिक उपयोग में, अम्लों के उपयोग में देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है अम्लों के उपयोग में, नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, ये हमारी हेडिंग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, क्या उपयोग है, जैसे नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाते हैं, या अर्थात कैसे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमारे पास क्या होता है विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस निकलती है। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या होता है कलाई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करना, कलाई क्या होता है जैसे हम देखते हैं किसी प्रकार का लोहा दिया हमारे पास है जैसे लोहा, तो हम इस पर क्या करते हैं पेंट करते हैं, जब पेंट इस पर करेंगे जैसे हम दरवाजा लगाते हैं घर का गेट है या मेन गेट जो हमारा लोहे का होता है, तो उस पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं जब पेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे पास जंग लगी होती है तो उस पर एक कलाई करते हैं, कलाई करने का मतलब क्या होता है हमारे पास
जो इस पर हम पेंट करते हैं, साफ करने लोहे की सतह को साफ करना, अर्थात जो रेक मार से हम रगड़ देते हैं वो हमारे पर कलेक्ट करने से पहले लोहे की सतह को क्या करना है, हमें साफ करना है। जब पेंट करेंगे उसके पहले हम क्या करते हैं, रेक मार से उसमें रगड़ देंगे ताकि हमारे पर जो उस पर काई वगैरह लगी होती है, पीला पदार्थ जो लग जाता है वो क्या होगा, हम साफ कर लेंगे तो आसानी से हम पेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में कहां पर उपयोग होता है हमारे पास, वस्त्र उद्योग में कपड़े की रंगाई करने में। जो हमारे बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां पर वस्त्रों का यानी कपड़ों का कारोबार किया जाता है, उसमें क्या हो जाता है, जो कपड़े में कलर लगाया जाता है वो क्या किया जाता है, कपड़े की रंगाई करने में किया जाता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग, ये हेडिंग हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग। तो नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, सोने तथा चांदी के शोधन में कहां पर उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का, सोने का चांदी के शोधन में, जिस समय सोना और चांदी में तैयार किया जाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, सोने का चांदी का शोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर सेकेंड, उर्वरक विस्फोट रंग औषधियां बनाने में, तो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल कहां कहां प्रयोग होता है, उर्वरक यानी जो खाद पदार्थ जो हम खेतों में डालते हैं, विस्फोट पदार्थ, वही रंग यानी कलर, औषधियां दवाइयां बनाने में क्या इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ मिलाकर अम्ल रहा बनाता है। जैसे हम क्या करें, नाइट्रिक अम्ल को HCl के साथ में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक अम्ल राज बनेगा ये। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग देते हैं हमारे पास। नंबर फोर, लेड बैटरियों में विद्युत अपघट के रूप में, जो बैटरी हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास विद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर दो, पेट्रोलियम उद्योग के शोधन में या पेट्रोल उद्योग में शोधन के लिए हमारे पास किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग के शोधन में किया जाता है। थर्ड नंबर, उर्वरक विस्फोट कृत्रिम रेसे वॉशिंग पाउडर आदि बनाने में हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अम्लों के सामान्य गुणों में सामान्य गुणों को पढ़ा और रासायनिक गुण जो हमारे अम्लों के रासायनिक गुण चल रहे थे, इस प्रकार से हमारे पास ये अम्लों के रासायनिक गुण यहीं तक समाप्त होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, हमारे पास अगला टॉपिक आएगा क्षारों के रासायनिक क्षारों के सामान्य गुण, उसके बाद में क्षारों के क्या आएंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास उसमें दिया था अम्लों के रासायनिक गुण, इसमें क्या जाएगा, क्षारों के रासायनिक गुण। तो इस प्रकार से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रकार आप नोट कर लेंगे।